नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप है बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में अररिया सीट की। 2019 में कौन बनेगा यहाँ से सांसद। सीमांचल कोसी का यह जिला प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कर्मभूमि रहा है। बिहार में नेपाल की तराई से सटा हुआ अररिया जिला पहले पूर्णिया जिले का हिस्सा था, जिसे 1990 में जिला बना दिया गया। 7 सीटों में से सिर्फ अररिया को भाजपा ने अपने लिए चुना है। अब तक भाजपा 3 बार इस सीट से जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन आम लोकसभा चुनाव में 2014 और उपचुनाव 2018 में उसे हार का सामना करना पड़ा। यहाँ 3 बार भाजपा तो 3 बार राजद को जीत मिल चुकी है। 2009 में भाजपा जदयू के साथ मैदान में उतरी थी, जिसमें उसे जीत मिली थी। उस वक्त राजद के साथ लोजपा का गठबंधन था और लोजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। वहीं 2014 में भाजपा और लोजपा का गठबंधन था, जबकि जदयू अलग था। 2014 के लोकसभा चुनाव में अररिया सीट पर भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी ओर से राजद के प्रत्याशी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन थे। जदयू ने विजय मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया था। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन 4,07,978 वोट मिले थे और वे प्रदीप सिंह से 1,46,504 वोट से जीत गए थे। कार्यकाल के बीच में ही मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की निधन हो गया। उसके बाद मार्च 2018 में उपचुनाव तक परिस्थितियां बदल गई थी। भाजपा और जेडीयू का गठबंधन हो गया था। भाजपा ने फिर प्रदीप कुमार सिंह को मौका दिया था, लेकिन राजद की ओर से मैदान में उतरे मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के विधायक पुत्र सरफराज आलम विजय रहे, जो कि उपचुनाव में आरजेडी के सरफराज आलम ने बीजेपी के प्रदीप सिंह को 61,788 मतों के अंतर से हराया। भाजपा का कमल सबसे पहले 1998 में अररिया में खिला था, जब रामजी दास ऋषि देव ने जीत दर्ज की थी। हालांकि वे मात्र 13 माह ही सांसद रह पाए। उसके बाद 2009 में प्रदीप सिंह जीते। अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। नरपतगंज, रानीगंज जो कि सुरक्षित सीट है, इसके साथ ही फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी, जिनमें से 4 पर एनडीए काबिज है। वहीं 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरजेडी के पास है। फराज आलम अररिया से आरजेडी के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके पहले विधायक के रूप में सरफराज आलम सियासत में उतरे थे। साल 2000 में आरजेडी के टिकट पर और 2010 में और 15 में वे जेडीयू के टिकट पर जोकीहाट सीट से जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। 2016 में उन्हें जेडीयू से सस्पेंड कर दिया गया। फरवरी 2018 में सरफराज आलम फिर आरजेडी में शामिल हो गए। मार्च 2018 में आरजेडी ने उनके पिता के निधन के बाद लोकसभा उपचुनाव में उतारा और वो अररिया से जीतकर लोकसभा के सदस्य बने। वहीं अगर बात करें कुल मतदाता की, तो 16,05,455 यहाँ मतदाता है। पुरुष मतदाता की बात करें तो 8,50,712, जबकि महिला मतदाता की बात करें तो 7,54,743 महिला मतदाता है। वहीं 2019 में फिर से दोनों पुराने लोग आमने सामने हैं। महागठबंधन से सरफराज आलम है, जबकि एनडीए से पप्पू सिंह। वहीं अन्य पार्टियों से व निर्दलीय भी चुनावी मैदान में है। अब ये देखने वाली बात है कि 2019 में कौन यहाँ से दोबारा सांसद बनता है और कौन चुनाव जीतता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल बटन पर क्लिक कीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।